शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने फलों का प्राचलिक रूप में अवकलन सीख लिया था। जो फलों का प्राचलिक रूप में अवकलन होता है वो हमने पढ़ा था बेटा, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला हमने लगाया था t प्राचाल के लिए, ठीक है। अगर थीटा है प्राचाल या कोई अन्य राशि है तो उसी के अनुसार वो फॉर्मूला वहां से लगाया जाएगा। अब हम यहां से आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं कि द्वितीय कोटि का अवकलन, क्या बेटा द्वितीय कोटि का अवकलज, कि द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि द्वितीय माने अर्थात दो बार, अर्थात आपको अवकलन जो है वो कितनी बार कराना है, दो बार। कितनी बार कराना है, दो बार। अब तक जो हमने अवकलन पढ़े हैं बेटा वो पढ़े हैं प्रथम कोटि के अवकलन, अर्थात एक बार अवकलन कराना। अब हम क्या करेंगे, उस एक बार अवकलन का ही पुनः अवकलन कराएंगे, उसे कहेंगे हम द्वितीय कोटि का अवकलज। कुछ प्रतीक चिन्ह मैं आपको इसके बता रहा हूं द्वितीय कोटि के अवकलज के, देखें आप ध्यान से बेटा। द्वितीय कोटि का जो अवकलज होता है, जैसे फलन जो होता है बेटा वो वाई के बराबर होता है, अर्थात वाई बराबर एफ एक्स, ये कोई फलन होता है। हम फलन को y बराबर एफ एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। फलन को अर्थात दो तरह से मान सकते हैं हम, एफ एक्स के बराबर भी लिखा होता है और वो y के बराबर लिखा होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप किसी भी प्रकार से उसको लिख सकते हो। अब हम जब एक बार अवकलन कराते हैं बेटा, प्रथम कोटि का अवकलन कराते हैं, तो वाई का जो अवकलन होता है वो हमारे पास होता है बेटा डीवाई अपॉन डी एक्स। हम y के अवकलन को dy अपॉन dx के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, ठीक है। अगर हम fx के अवकलन को भी व्यक्त करना चाहें प्रथम कोटि के अवकलन से, तो हम किस प्रकार उसे व्यक्त करेंगे, देखें। fx के अवकलन को हम इस तरह लिख सकते हैं f डैश x, किस तरह लिख सकते हैं f डैश x, अर्थात f डैश x जो होता है वो भी प्रथम कोटि का अवकलन कहलाता है। जो डैश यहां पर आ रहा है ये डैश भी क्या होता है बेटा, प्रथम कोटि के अवकलन का प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे हम y के अवकलन को y डैश भी कह सकते हैं, y के अवकलन को हम y डैश भी कह सकते हैं और y1 भी कह सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है बेटा प्रथम कोटि के अवकलन के प्रतीक चिन्ह, अर्थात आप प्रथम कोटि के अनुसार y1 कह सकते हो, y डैश कह सकते हो, dy अपॉन dx कह सकते हो। एक बार हम प्रथम कोटि को दोबारा बता रहे हैं तब हम यहां से द्वितीय कोटि को सीखेंगे। अब देखो बेटा, अगर हम द्वितीय कोटि का अवकलन कराना चाहे तो dy अपॉन dx का द्वितीय कोटि का अवकलन क्या कहलाएगा, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या कहेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कह दें, या फिर हम इसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कह दें, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये व्यक्त करता है द्वितीय कोटि के अवकलन को, किसको व्यक्त करता है ये, द्वितीय कोटि के अवकलन को, ठीक है, दो बार वाले अवकलन को। अगर हम एफ डैश एक्स की तरह ही व्यक्त करना चाहें द्वितीय कोटि के अवकलन को, तो किस तरह करते हैं देखो, इसे हम इस तरह लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, किस तरह लिखेंगे इसे एफ डबल डैश एक्स, अर्थात डबल डैश जो है आपके सामने वो द्वितीय कोटि के अवकलन के प्रतीक चिन्ह को व्यक्त करता है। इसी प्रकार हम वाई डैश को लिखना चाहें तो वाई डबल डैश किस प्रकार होगा, वाई डबल डैश। इसी प्रकार हम वाई वन को लिखना चाहें तो वाई टू। ये मैं आपको द्वितीय कोटि के अवकलन के कुछ प्रतीक चिन्ह बता रहा हूं बेटा, वाई टू भी द्वितीय कोटि का है, y डैश भी द्वितीय कोटि का है, f डबल डैश x भी द्वितीय कोटि का है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर कहो या dx2 कहो, ये भी क्या है द्वितीय कोटि का अवकलन का प्रतीक चिन्ह है। तो जो मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं बेटा वो द्वितीय कोटि का अवकलन, अर्थात दो बार अवकलन कराना। जैसे कोई फलन दिया हुआ है आपको y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब, और आपसे कहा जाए कि आप इसे द्वितीय कोटि के अवकलन से हल करो, अर्थात आप इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो हम किस प्रकार इसमें मान निकालेंगे द्वितीय कोटि के अवकलन का, देखो एक बार अवकलन करें पहले तो
dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका प्रथम कोटि का अवकलन। अब हम यहां से द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना चाह रहे हैं, देखो तो इसका दोबारे से अवकलन कराएंगे तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर का अवकलन कराना है अब आपको पुनः से, कितना आ जाएगा भैया 6x, कितना आ जाएगा 6x। कैसे आया दोबारा समझे, तीन तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, तो 2x गुना 3 कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, ये मैंने आपको द्वितीय कोटि का अवकलन समझाया है, अर्थात कुछ नया नहीं है, यहां पर भी आपको वही अवकलन कराने, बट अब अवकलन आपको कितनी बार कराना है दो बार, उसे कहेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है बेटा, अब हम 7.5 यहां से स्टार्ट करते हैं। 7.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे d2y अपॉन dx स्क्वायर के मान ज्ञात करवाए हैं, अर्थात पहले सवाल में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको a b c d e f g h, ठीक है इस प्रकार से, और उनमें आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखें पहले का a, तो y बराबर x क्यूब प्लस 10x, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है। ठीक है बेटा, तो आपको इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात कराना है। देखे बेटा ध्यान से, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फलन का अवकलन कराने पर d2y अपॉन dx स्क्वायर में हमें पता लग रहा है कि अवकलन हमें किसके सापेक्ष कराना है, यहां से x के सापेक्ष। ठीक है, देखे बेटा y का अवकलन कराते हैं यहां से, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर x क्यूब का कराएं कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का कराएं कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x। ये हमने इसका प्रथम कोटि से अवकलन कराया, ठीक है, x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया और 10x का sec स्क्वायर x आ गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन कराते हैं। देखे बेटा आगे, पुनः अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात इसका हम दोबारे से x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं। देखें dy अपॉन dx का अवकलन कराएंगे तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर का अवकलन कराते हैं यहां से, तो 3x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बेटा, x की पावर n से कराएंगे इसका, ये अचर राशि बाहर रहेगी 6x आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम यहां से sec स्क्वायर x का अवकलन कराते हैं, sec स्क्वायर x का अवकलन क्या होगा, पहले हम घात का कराएंगे तो क्या जाएगा 2 sec x, क्या जाएगा 2 sec x, ये हमने sec स्क्वायर x का अवकलन कराया है 2 sec x, अब हम क्या करेंगे sec x का अवकलन और कराएंगे तो sec x का अवकलन क्या होगा बेटा sec x 10x, क्या हो जाएगा sec x 10x। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6x प्लस, इनको इंटू करा देंगे तो 2 sec² x इंटू 10x। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले का बी, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए बेटा वही आपको द्वितीय कोटि का अवकलन कराना है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर x स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 3 प्लस 2 का 0, अचर राशि है कॉन्स्टेंट है, इसका अवकलन क्या आ जाएगा यहां से 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आया 2x प्लस 3, ये आया बेटा प्रथम कोटि का अवकलन, अर्थात dy अपॉन dx का मान। अब हम यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं, देखिए पुनः अर्थात अगेन दोबारे से हम क्या करते हैं इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का अवकलन कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और 3 का कराएंगे तो 0, अचर राशि बेटा। तो यहां से इस फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन क्या प्राप्त हुआ हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, सी देखे अगला, नेक्स्ट इसका वाई बराबर, अगला पार्ट है बेटा इसका वाई बराबर एक्स कॉस एक्स, वाई बराबर एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स में
जब हम प्रथम कोटि का अवकलन कराएंगे तो कौन सा पैटर्न लगेगा, यू इंटू वी वाला। उससे आगे फिर हमको दोबारा से द्वितीय कोटि का अवकलन और कराना है। देखिए आगे, तो यहां से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का कराते हैं तो डीवाई अपॉन डीएक्स आ गया। एक्स कोस एक्स में कौन सा पैटर्न लगेगा, यू इंटू वी वाला। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स को छोड़ देते हैं, कोस एक्स का कराते हैं, तो कोस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस। अब हम कोस एक्स को छोड़ देते हैं और एक्स का कराते हैं, क्या आ जाएगा, वन। तो हमारे पास आया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलन है, वन से गुना होगा तो कोस ही रह जाएगा, तो वन को हटा दी जाए आप यहां से। अब हम यहां से दोबारे से इसका द्वितीय कोटि का अवकलन कराएंगे, दोबारे से क्या कराएं, फिर इसका अवकलन कराएं अगेन या पुनः डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डीवाई अपॉन डीएक्स का क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर, क्या जाएगा, डी टू वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर बराबर। देखो बेटा ये जो लिख रहा है ना एक्स साइन एक्स, इसमें क्या लगेगा, यू इन टू वी, जैसे हमने एक्स कॉस एक्स में लगाया था। इसका जो माइनस का चिन्ह है इसे हम बाहर रहने दें, इसी तरह से मंझले कोष्टक के अंदर हम क्या करें, एक्स साइन एक्स में यू इन टू वी लगा देते हैं। तो एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का अवकलन कराएंगे, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का अवकलन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वन। दोबारा सुने आप ध्यान से, माइनस का चिन्ह बाहर है ठीक है, और एक्स को छोड़ा है, साइन एक्स का अवकलन कराया है, कॉस एक्स आ गया प्लस साइन एक्स को छोड़ा है, एक्स का कराया, वन आ गया ठीक है भाई। अब हम यहां से प्लस कॉस एक्स का कराते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। हल करते हैं आगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। देखिए इस माइनस के चिन्ह को हम क्या करें, इसमें अंदर गुना करा दे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है, और ये पहले से ही है माइनस का साइन एक्स। इसको हल कर देते हैं थोड़ा सा यहां से, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास आता है बेटा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के टू साइन एक्स ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस के टू साइन एक्स। ये हमारे पास इस फलन के लिए द्वितीय कोटि का अवकलन आया है। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इस तरह से कि माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स ठीक है भाई। इसी प्रकार अगला पार्ट देखिए इसका, डी y बराबर टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, y बराबर टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स ठीक है। तो यहां से dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा हमारे पास, टू तो कांस्टेंट है और साइन एक्स का अवकलन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस तीन बाहर रह जाएगा, कॉस एक्स का कराएंगे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस के तीन साइन एक्स हो गया भैया। ये हमने एक बार अवकलन करा दिया, अब इसका हम दोबारा अवकलन कराते हैं तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, टू कॉन्स्टेंट है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस तीन बाहर है और साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो यहां से टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स ठीक है। ये हमने चार क्वेश्चन पहले सवाल में कंप्लीट कर लिए हैं और दो और हैं इसमें, जो आपको इसी प्रकार से आगे करा के देखने ठीक है बेटा। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया, इसमें इनमें आपसे द्वितीय कोटि का अवकलन पूछा गया है अर्थात डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहला जो सवाल है वो आपको सिर्फ द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना सिखाता है, इस तरह से आप दो बार अवकलन कराएं। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे सिद्ध करने वाले आ रहे हैं ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि यदि y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x, ये आपको दे रखा है y के बराबर कोई फलन और आपको सिद्ध करके लाना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको दिया हुआ है ठीक है बेटा। देखें हल करते हैं इसको, y बराबर
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब आप एक बार जो पार्ट आपको सिद्ध करना है उसे देखें आप ध्यान से, जो पार्ट हमें सिद्ध करना है उस पार्ट में हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अर्थात द्वितीय कोटि का अवकलन हमें दिखता है इसमें। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि इस फलन का दो बार आपको अवकलन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। कहीं आप एक बार अवकलन करा के रुक जाएंगे तो उसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, जो कि हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो सिद्ध वाले पार्ट में देख लेंगे आप कितनी बार इसका अवकलन कराओगे। तो हमें इसका दो बार अवकलन कराना है। देखिए बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का अवकलन कराते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। y का अवकलन क्या आ गया, dy अपॉन dx। अब यहां से देखें a कांस्टेंट है, sin x का अवकलन कराते हैं cos x आ गया, प्लस b कांस्टेंट है cos x का कराते हैं माइनस sin x आ गया, तो माइनस b sin x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक बार इस फलन का अवकलन करा दिया। हमें इसका अवकलन कितनी बार कराना है, दो बार। कितनी बार कराना है, दो बार। देखिए जो आपके पास y का मान है वो क्या है, a sin x प्लस b cos x, क्या है, a साइन x प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं इसका एक बार अवकलन और करा देते हैं। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a कांस्टेंट रहेगा cos x का कराएंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा, माइनस b कांस्टेंट है sin x का कराएंगे तो cos x आ जाएगा। ये हमने इसका दो बार अवकलन करा दिया। अब इसको आगे हल करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, a साइन x प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, जो ये लिखा हुआ है यहां से a साइन x प्लस बी कॉस एक्स, ये a साइन x प्लस बी कॉस एक्स जो आप देख रहे हैं यहां से किसका मान है, y का, तो मैं इसकी जगह यहां से क्या लिख सकता हूं, y, माइनस का चिन्ह पहले से ही बाहर है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाता है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का y पक्षांतरण से मैं इधर ले आता हूं तो प्लस y बराबर जीरो, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इति सिद्धम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहां से बेटा सिद्ध हो जाता है। तो आप पहचान करोगे सिद्ध वाले पार्ट को देख करके कि आपको कितनी बार अवकलन कराना है। जैसा कि यहां दिया हुआ था कि द्वितीय कोटि का अवकलन, अर्थात आपको दो बार अवकलन यहां से कराना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई बराबर sec x प्लस टेन एक्स, ये आपको दिया हुआ है और सिद्ध करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जैसा कि सिद्ध करने वाले पार्ट में हमें पता लग रहा है कि यहां से हमें द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। देखें y बराबर sec x प्लस टेन एक्स, ये हमको दिया हुआ है यहां से। आप चाहे तो इसको समीकरण नंबर एक यहां से मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसका एक बार अवकलन कराते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर sec x, तो sec x का अवकलन क्या होगा, sec x tan x, sec x का अवकलन आ जाएगा sec x tan x। ठीक है बेटा, प्लस अब हम क्या करते हैं, tan x का अवकलन कराते हैं, किसका कराते हैं, tan x का, तो tan x का अवकलन क्या आएगा यहां से, sec स्क्वायर x, dy अपॉन dx बराबर, देखिए भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा यहां से, sec x। आप कॉमन लेना चाहे तो यहां से sec x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, tan x प्लस sec x। हमें जो सिद्ध करके लाना है वो लाना है बेटा cos और sin के पदों में, cos और sin के पदों में। ठीक है, तो पहले मैं इसमें से sec x कॉमन ले लेता हूं, अपने पास बचता है बेटा
टेन एक्स प्लस sec x का लिख देता हूं मैं 1 अपॉन cos और tan का sin अपॉन cos, इस प्रकार sec का 1 अपॉन cos। देखिए बेटा dy अपॉन dx बराबर sec x को 1 अपॉन cos x और tan x को sin x अपॉन cos x प्लस sec x को 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो यहां से dy अपॉन dx बराबर आता है बेटा, देखो इन दोनों को लघुत्तम लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा cos x, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा sin x प्लस 1 अर्थात 1 प्लस sin x। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूं 1 प्लस sin x तो ऊपर बचा, cos x लघुत्तम आया, इस cos से गुना हुआ तो क्या हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है, बराबर 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x बटे cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्या होता है बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर x, अर्थात अब यहां पर भी एक फॉर्मूला काम करता है, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो लगा देते हैं हम यहां से dy अपॉन dx बराबर ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स चल ही रहा है यहां से बटे नीचे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, अब यहां से कट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, अब हम यहां से क्या करते हैं इसमें 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलन कराएंगे। देखिए आगे हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलन कराएंगे, ऊपर देखे हैं डीवाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, पुनः इसका अवकलन कराते हैं अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहां से जब आप इसका अवकलन कराओगे तो कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें यू अपॉन वी वाला, देखें भाई dy अपॉन डी एक्स का आ जाएगा यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और हम इसका कराएंगे तो u अपॉन v से कराना है आपको। ठीक है, तो v को छोड़ेंगे अर्थात 1 माइनस साइन एक्स को तो छोड़ देंगे, पहले v को छोड़ेंगे और ऊपर वाले का अवकलन कराएंगे, कौन है ऊपर 1, तो 1 का अवकलन क्या होगा कॉन्स्टेंट का 0 माइनस। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे 1 को छोड़ेंगे और अवकलन किसका कराएंगे नीचे वाले का, नीचे कौन है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन देखें आप 1 का तो 0 माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमने अंश अपॉन हर वाली विधि से इसका अवकलन कराया है। अब देखें नीचे क्या होता है वी स्क्वायर, तो वी कौन है 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहां से आ जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए भाई 1 माइनस साइन एक्स का गुना किससे होगा 0 से, तो ये कंप्लीट पद क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास बचता है 0 माइनस कॉस एक्स अर्थात माइनस का कॉस एक्स, जो ये माइनस का कॉस एक्स है ये माइनस 1 से गुना होकर क्या आ जाएगा प्लस का कॉस एक्स बटे, हमारे पास क्या बच रहा है नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इति सिद्ध, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि y बराबर a cos nx प्लस b sin nx, ये हमको यहां से दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर जीरो। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने यहां से दूसरा जो सवाल किया था इसी पैटर्न पे किया था सेम, और तीसरा भी इसी पैटर्न पे था। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव किया है उन्होंने, जैसे कि यहां पर cos x, x में क्या दे दिया n दे दिया एक्स्ट्रा में। ठीक है, इसी तरह से यहां से कराना है, और सिद्ध वाले पार्ट को देखें आप कि यहां से कितनी कोटि का अवकलन हमें कराना है, तो जो सिद्ध वाला पार्ट है उसमें देखें यहां से कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि द्वितीय कोटि का अवकलन कराना है आपको। ठीक है, तो यहां से हम दो बार अवकलन कराएंगे इसका, वाई बराबर ए कॉस
एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। समीकरण नंबर एक दे ले आप इसे। इस फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं, अर्थात प्रथम कोटि का अवकलन कराते हैं, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन कराने पर। ये कैसे पता लगा कि हमें x के सापेक्ष अवकलन कराना है, वो हम यहां से देखते हैं। ठीक है, नीचे dx है अर्थात x के सापेक्ष अवकलन कराना है, अगर नीचे dt होता तो t के सापेक्ष अवकलन कराते, तो y का अवकलन होगा x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर। अब देखें यहां से ए जो है ये अचर राशि, इसको तो हम बाहर छोड़ देंगे ऐसा कि ऐसा। पहले अवकलन कराएंगे हम cos nx का, अर्थात nx को आप थोड़ी देर के लिए x काउंट करें कि ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो cos x हो गया ये, तो cos x। अब cos x का अवकलन आपको याद होना चाहिए क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन x, x का काम कौन कर रहा है यहां से nx, तो a कॉन्स्टेंट था, cos x का अवकलन कराया मैंने, क्या आ गया माइनस साइन x आ गया। अब मैं यहां से nx का अवकलन कराता हूं, किसका कराता हूं nx का, तो nx का अवकलन होगा बेटा n, भाई nx में n तो कॉन्स्टेंट है बाहर रह जाएगा, x का x के साथ एक अवकलन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से nx का अवकलन क्या प्राप्त हुआ हमें, n प्राप्त हुआ। आगे देखिए प्लस b साइन x, अब मैं यहां से साइन x का अवकलन कराता हूं, तो साइन x का अवकलन क्या आ जाएगा cos x, अर्थात cos nx आ जाएगा बेटा। अब मैं वही बात nx का अवकलन कराऊंगा, तो nx का अवकलन क्या हो जाएगा n। ठीक है, एक बार दोबारा देखें, a कांस्टेंट था बाहर छोड़ दिया मैंने, यहां से cos x का अवकलन कराया माइनस साइन x आया, nx का कराया n आया, प्लस b साइन x का कराया cos x आया, nx का कराया n आ गया। ठीक है भाई, इस n को इसमें अंदर गुना मत करा देना, ये तो अलग है बिल्कुल, और ये इस फलन से गुना है कंप्लीट है। ठीक है भाई, अब यहां से इसको हल करके लिख देते हैं, dy अपॉन dx बराबर, देखिए इस n को मैं आगे लिखाऊंगा, तो माइनस एन ए साइन एन एक्स, माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स, y अपॉन dx बराबर माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स। अब हम यहां से क्या करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन दोबारे से कराते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलन में ध्यान रखना है आपको कि जब सिद्ध करके लाओ तो ये y भी उसी के साथ आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए हम अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अर्थात दोबारे से फलन का अवकलन कराने पर x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx का कराऊंगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर। देखो माइनस का चिन्ह बाहर रह जाएगा इसमें, और ये एन ए जो है ये कंप्लीट कॉन्स्टेंट है, कंप्लीट एन ए। अब हम यहां से साइन एन एक्स का अवकलन कराते हैं, वही बात है, साइन एक्स का अवकलन कराऊंगा तो कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कराऊंगा तो कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहां से एन एक्स का अवकलन और कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा देखें, माइनस एन ए बाहर है, कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का कॉस एक्स और एन एक्स का एन, प्लस देखिए बी एन ये तो बाहर रह जाएगा, यहां से कॉन्स्टेंट है। अब यहां से मैं कॉस एन एक्स का अवकलन कराता हूं तो कितना आता है, माइनस का साइन एन एक्स, अर्थात कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का चिन्ह बाहर है, साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब यहां से मैं एन एक्स का अवकलन कराता हूं तो एन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एन। अब मैं इसको हल कर देता हूं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस का चिन्ह बाहर ही रहेगा इसमें, ये एन इससे गुना हो जाएगा तो एन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कॉस एन एक्स ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का चिन्ह यहां बाहर आ जाएगा तो ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और ये एन यहां गुना होकर के बी एन स्क्वायर बनाएगा, और ये साइन एन एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से जो कॉमन आ रहा है वो हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो इन दोनों में से एक तो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ गया,
एक यहां से एन कॉमन आ रहा है, यहां पर एन स्क्वायर है, यहां पर भी एन स्क्वायर, तो आप यहां से एन स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा भाई, माइनस कट जाएगा, एन स्क्वायर कट जाएगा, ए कॉस एन एक्स, ए कॉस एन एक्स, माइनस दोनों हट गए यहां से, दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस के, प्लस बचा यहां से, एन स्क्वायर बाहर चला गया, बी साइन एन एक्स बचेगा, बी साइन एन एक्स, तो हमारे पास अंदर बच रहा है ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तो ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स समीकरण नंबर एक से किसका मान है, वाई का, तो मैं यहां से इसकी जगह क्या लिख दूंगा, वाई, तो हमारे पास आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर, और ये किसका मान है, वाई का, समीकरण नंबर एक से, यानी दे समीकरण एक से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर जीरो, जो कि हमें सिद्ध करके, ठीक है बेटा। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा, जय हिंद जय भारत।